हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्रिलोक पटेल एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी प्रोग्रेशन जो डायरेक्ट ही ना ही एपीए बिलोंग कर रही है और ना ही जीपीए बिलोंग करती है, ठीक है। लेकिन इनका हमें सम निकालना है। इनका सम निकालने के लिए पहले इन प्रोग्रेशन को हम एपी या जीपी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इनका सम निकालेंगे। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज करने वाले हैं हम, और उससे हम निकालेंगे कुछ प्रोग्रेशन का सम। लेकिन उसके लिए हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जिन फॉर्मूले का यूज करके हम मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करेंगे और उससे हम सम निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले सम बेसिक फॉर्मूले, इसमें आएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि अगर एन नेचुरल नंबर हमें दिया हुआ है तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, ठीक है ना। ये किसके लिए फॉर्मूला होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन। लिखेंगे क्या? एन इक्वल टू वन टू एन, मतलब n की वैल्यू क्या होगी 1 से लेके n तक, और उनका सम करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इसके लिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कहां तक? अप टू n स्क्वायर तक। इन सभी का सम करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है समेशन n स्क्वायर n इक्वल टू 1 टू n, और इसके लिए फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, ठीक है। और वैसे ही सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब पहले एन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम करें अगर हम, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ डिफरेंस का कंसेप्ट क्या होता है, किस तरीके से इससे हम सम निकालते हैं। तो अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है किसी भी प्रोग्रेशन का, तो इसका मतलब यह होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, आप क्या कर रहे होते हैं? एन टर्म्स का सम, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी टर्म्स का आप सम निकाल रहे हो। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन टू एन टी एन, समेशन ऑफ एन इक्वल टू वन टू एन टी एन, मतलब एन की वैल्यू वन टू थ्री कहां तक पुट कर रहे हैं आप? एन तक पुट कर रहे हैं। तो एस एन अगर सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है और आपके पास एनथ टर्म है, तो उसमें आप समेशन लगा के और समेशन के जो फॉर्मूले हमने देखे थे उन फॉर्मूले का यूज करके आप सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट होता है कि अगर आपको सम ऑफ एन टर्म निकालना है तो आपको क्या करना है? उसके जनरल टर्म निकालना है, एनथ टर्म निकालना है, और उसमें लगाएंगे हम समेशन, और उससे क्या निकल जाएगा? एसएन निकल जाएगा, क्लियर है। तो इस कंसेप्ट से हम मेथड ऑफ डिफरेंस की हेल्प से सम ऑफ एन टर्म्स निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 अप टू एन टर्म। तो मेथड ऑफ डिफरेंस से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कंसेप्ट क्या होता है? एसएन निकालने का, समेशन ऑफ टी एन, मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसकी जनरल टर्म निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप मेथड ऑफ डिफरेंस से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला काम होता है जनरल टर्म निकालना या इसकी एनथ टर्म निकालना, ठीक है। तो पहला एनथ टर्म निकालेंगे, उसके लिए एसएन इक्वल टू जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15, और ये क्या है इसकी एनथ टर्म, ठीक है। हम क्या करेंगे? अच्छा, पहले क्या करना है? टीएन निकालना है हमें, टीएन निकाल के फिर एसएन निकलेगा। तो टीएन कैसे निकलेगा? हम इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख देते हैं और एक टर्म छोड़ के लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 7, इसके नीचे आएगा n माइनस वन टर्म, और ये क्या है?
एनेथ्रम। तो हमने क्या करा, एसएन लिखा, एसएन लिखने के बाद एक टर्म छोड़ के हमने फिर से वैसे का वैसा ही टर्म से लिख दी। तो यहां पर एनथ टर्म है और इसके नीचे कौन सी टर्म आएगी, एन माइनस वन टर्म और प्लस टीएन। इतना करने के बाद फिर आपको फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है। फर्स्ट में सेकंड को आप माइनस करेंगे तो एसएन में से एसएन माइनस होगा तो क्या बचेगा, जीरो इज इक्वल टू वन। इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा, ये वाली टर्म ऐसी कैसी आएगी, यहां माना जाएगा थ्री माइनस वन यानी कितना आ जाएगा यहां पर टू, सेवन माइनस थ्री कितना आएगा फोर, फिफ्टीन माइनस सेवन कितना आएगा एट, और इस तरीके से यहां तक की अगर हम बात करें तो एन टर्म्स हो जाएगी और माइनस टी एन ऐसा कैसा रहेगा, क्लियर है। तो यहां से यहां तक कितनी टर्म्स आ गई, एन टर्म्स माइनस टी एन। अब हम क्या करेंगे, टी एन की वैल्यू निकालेंगे, टी एन इक्वल टू कितना आएगा वन प्लस टू प्लस फोर, कितनी टर्म्स है एन टर्म्स। ये जो एन टर्म्स है यहां पर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जीपी बन रही है, ये काय में है टर्म्स जीपी में है, ठीक है। तो यहां पर टी एन निकालने के लिए सम ऑफ द जीपी लगा दो, सम ऑफ जीपी ऑफ एन टर्म्स। तो यहां पर सम ऑफ एन टर्म्स के लिए ए यानी फर्स्ट टर्म वन है, कॉमन रेशो कितना है टू, तो यहां पर आएगा टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन। तो यहां पर हमने क्या निकाल लिया टी एन, और टी एन कितना आ रहा है टू की पावर एन माइनस वन, ये टी एन की वैल्यू है। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स, ये जनरल टर्म आ गई। तो सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालेंगे ये देखते हैं हम। तो यहां तक क्लियर है। अच्छा, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ये जो प्रोग्रेशन दी हुई है इसकी एनथ टर्म निकालो या इसकी जनरल टर्म निकालो। तो अगर एनथ टर्म निकालने के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको यहां तक सॉल्व करना है, और अगर आपको सम निकालने के लिए क्वेश्चन आता है सम ऑफ एन टर्म्स तो पहले आपको टीएन निकालना है, और टीएन निकालने के बाद एसएन इक्वल टू समेशन ऑफ टीएन वाला कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं इसके आगे एसएन कैसे निकलेगा। तो एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ टी एन, एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ टू की पावर एन माइनस वन, ये हो जाएगा समेशन ऑफ टू की पावर एन माइनस समेशन ऑफ वन। समेशन ऑफ टू की पावर एन का मतलब ये है कि एन की वैल्यू वन से लेके एन तक, यानी कि टू प्लस टू स्क्वेयर प्लस टू क्यूब अप टू प्लस टू की पावर एन माइनस समेशन वन, और समेशन वन की वैल्यू कितनी होती है एन, क्लियर। समेशन वन कितना होता है एन। अब यहां पर ये एक जीपी है और इस जीपी का अगर हमें सम निकालना है तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी लगाएंगे यहां पर। तो फर्स्ट टर्म कितनी है टू, कॉमन रेशो भी टू है, टू की पावर एन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन माइनस एन, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो टू की पावर एन प्लस वन माइनस टू माइनस एन, यानी कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा टू की पावर एन प्लस वन माइनस एन माइनस टू, क्लियर है। तो ये सम ऑफ एन टर्म है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई प्रोग्रेशन दी हुई है तो सबसे पहले हमें उसकी जनरल टर्म निकालना है, एनथ टर्म निकालना है, एनथ टर्म निकालने के बाद फिर ऐसा इक्वल टू समेशन ऑफ टी एन, तो यहां पर टी एन की वैल्यू पुट कर देंगे और उससे क्या निकल जाता है ऐसा निकल जाता है। अच्छा, अभी हमने क्या देखा कि जब हम डिफरेंस मेथड यूज कर रहे थे तो यहां पर जीपी बन रही थी, हमेशा जरूरी नहीं कि जीपी बने, कभी कभी एपी भी बन सकती है, तो एपी वाले कंसेप्ट से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डिफरेंस मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो एपी बनेगी, ठीक है।
चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस के ऊपर। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 2+4+7+11। अच्छा कोई क्वेश्चन मेथड ऑफ डिफरेंस से सॉल्व होगा या नहीं होगा ये हम पहले चेक कर लिया करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे हम कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट करेंगे, थर्ड माइनस सेकेंड और फोर्थ माइनस थर्ड। तो अगर हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं तो यहां पर हम चेक कर पा रहे हैं कि 4-2 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 7-4 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 11-7 करेंगे तो कितना आ रहा 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या बन रही है, एपी बन रही है, ये हमने चेक कर लिया। मतलब जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट करोगे, थर्ड माइनस सेकेंड, फोर्थ माइनस थर्ड और डिफरेंस करने पर जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स एपी में आना चाहिए या फिर जीपी में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इनका डिफरेंस एपी में या जीपी में आ रहा है तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चन है वो कहां से सॉल्व होगा, डिफरेंस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, इसका सम निकल जाएगा, सम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम सॉल्व कैसे होगा। ये तो यहां पर सबसे पहला काम यह होगा कि इस क्वेश्चन में हमें जनरल टर्म या एनथ टर्म निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे या एनथ टर्म निकालेंगे और जनरल टर्म निकालने के बाद SN इक्वल टू समेशन ऑफ TN वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा SN इक्वल टू 2+4+7 TN। इसी को एक बार फिर से लिख दिया हमने, एक टर्म छोड़ के डिफरेंस निकालेंगे TN-1 और लास्ट टर्म क्या होगी TN होगी। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, डिफरेंस निकालो फर्स्ट माइनस सेकंड तो यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 4 और ये टर्म यहां से अगर हम देखें तो यहां से यहां तक N-1 टर्म्स होगी माइनस TN। देखिए यहां से यहां तक N टर्म होगी लेकिन हम 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2 को इंक्लूड करेंगे तो ये एपी नहीं बनेगी, इसलिए फर्स्ट टर्म किसको लेंगे, इस वाले 2 को लेंगे, 2+3+4 यहां से यहां तक एपी बन रही है इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने इस टर्म को इंक्लूड किया था तब जीपी बन रही थी तो वहां पर हमने एन टर्म्स लिखा था, ठीक है, और यहां पर इस टर्म को नहीं ले रहे हैं तो यहां से यहां तक की जो टर्म्स रहेगी वो N-1 टर्म्स होगी, ठीक है, वो कितनी टर्म्स होगी N-1 टर्म्स होगी। अच्छा माइनस ऑफ TN, हमें TN की वैल्यू निकालना है तो TN इक्वल टू 2+2+3+4 अप टू N-1 टर्म्स। यहां पर 2 प्लस, अब ये क्या है, एपी है और यहां पर क्या लगाएंगे, सम ऑफ N-1 टर्म्स ऑफ एपी, तो सम ऑफ N-1 टर्म्स N-1 अपॉन 2 × 2 = 4+ N-1 - 1 × D कितना है 1 है। तो यहां पर सॉल्व करने के बाद 2+N-1/2 - 2 यानी कि आ जाएगा यहां पर N+2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो आएगा 4+N-1 N+2/2 और फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा N²
प्लस एन प्लस टू। फाइनली इसका आंसर आएगा 1/2 एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू। तो ये टी एन है, ये क्या निकाला हमने, जनरल टर्म निकाली। तो जनरल टर्म कितनी आ रही है 1/2 एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू। ठीक है, अब जनरल टर्म यानी कि एनएफ टर्म निकाल लिया हमने। एनएफ टर्म निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, एस एन निकालेंगे, समेशन ऑफ एन टर्म। ठीक है, तो टी एन निकालने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, एस एन निकालेंगे। और एस एन कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ टी एन। अब टी एन टर्म निकालने के बाद अब हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। और एस एन क्या होता है, समेशन ऑफ टी एन। यानी कि एस एन क्या होता है, समेशन ऑफ टी एन, एस एन इक्वल टू समेशन ऑफ 1/2 एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू। 1/2 कॉन्स्टेंट है और इसके प्रोडक्ट में है तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या लिखेंगे हम, समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एन प्लस समेशन ऑफ टू। 1/2 समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाय टू प्लस समेशन टू का फॉर्मूला टू एन। चलिए इसमें से एन कॉमन आ रहा है, एन कॉमन लेने के बाद एन बाय टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन थ्री इंटू एन प्लस वन प्लस ट्वेल्व अपॉन में कितना आएगा, सिक्स। ठीक है, एन कॉमन ले लिया और इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया। अगली स्टेप जो आएगी एन बाय टू टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन थ्री एन प्लस थ्री प्लस ट्वेल्व बाय सिक्स एन बाय टू टू एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन प्लस सिक्सटीन अपॉन सिक्स। टू से कैंसल हो रहा है तो एन इंटू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस एट अपॉन सिक्स। ठीक है, तो ये आ गया सम ऑफ एन टर्म्स एस एन की वैल्यू। क्लियर है, तो एस एन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें टी एन निकालना पड़ेगा। टी एन निकालने के बाद समेशन ऑफ टी एन लगा के और जो शुरू में हमने बेसिक फॉर्मूला देखे थे उनका यूज करके हम सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं। क्लियर है, अच्छा डिफरेंस मेथड में जो भी प्रोग्रेशन दी हुई रहेगी, हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, थर्ड माइनस सेकंड करेंगे, फोर्थ माइनस थर्ड करेंगे, फिर उन टर्म्स को हमें ऑब्जर्व करना है वो अगर एपी में आती है या जीपी में आती है तब हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो ये थी मेथड ऑफ डिफरेंस। और इसमें हमने दो क्वेश्चन देखे हैं, एक में जीपी बन रही थी और एक में एपी बन रही थी। तो सबसे पहले जनरल टर्म एनथ टर्म निकालना है, फिर सम निकालना है, फिर सम निकालना है। और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं कई बार तो जनरल टर्म निकालने के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द जनरल टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए तो इसके साथ ही ये टॉपिक यही खत्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।